हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने कल आपको 3 रेजिस्टेंस दिए थे कलर कोडिंग के बेसिस पे, आपको उनका सॉल्यूशन, उनकी न्यूमेरिकल रेजिस्टिव वैल्यू बतानी है 12 बजे तक। ध्यान रखना, सॉल्यूशन मिलना चाहिए हर एक का, अटेंडेंस ज़रूरी है। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, आपका जो 4th यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। तो जैसा कि मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, 1842 के अंदर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ्स, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनको सोल्व करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट लॉज, सिद्धांत कह लीजिए, प्रोवाइड किए थे, जिनके अंदर पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन क्या होता है, आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा, जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा इनकमिंग या आउटगोइंग करंट्स मिलते हैं। ठीक है, जंक्शन सेम उसी तरह से है जैसे आपके पास में रेलवे जंक्शन हम बोलते हैं, सेम वैसे ही है। रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर भी क्या होता है कि 2 साइड से या 3 साइड से आने वाली रेलगाड़ियाँ एक पॉइंट पर मिलती हैं, ऐसे ही हैं। 2 या 3 वायर से करंट आता हुआ किसी पॉइंट पर मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। और जंक्शन की वजह से ही इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, और इसका जो तीसरा नाम है इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है और किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर में देखिए मैंने ओ नाम से एक जंक्शन बनाया है, और इस जंक्शन पे कुछ इनकमिंग करंट आ रहे हैं और कुछ आउटगोइंग करंट आ रहे हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो करंट I1, I2, I3 एंड I5 जो फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर है इन द डायरेक्शन एज शोन फिगर, जो जंक्शन पे क्या होगा, जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन का ध्यान कैसे लेना है, यहाँ पे जो फिगर के अंदर दिखाई दे रही है आपको कि कुछ जैसे I1 है जंक्शन के अंदर की तरफ आ रहा है करंट, I2 बाहर की साइड जा रहा है, I3 भी बाहर की तरफ जा रहा है, I4 जंक्शन के इनवार्ड है और I5 जो है आउटवार्ड है। तो साइन कन्वेंशन का आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस करंट को पॉजिटिव लेना है और किस करंट को आपको नेगेटिव लेना है। तो यहां पे मैंने साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टूवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि जो करंट जंक्शन की साइड फॉलो करे, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा I1 जंक्शन O की तरफ फॉलो कर रहा है, I4 जो है वो भी जंक्शन की तरफ फॉलो कर रहा है, यानी कि जो जंक्शन की साइड फॉलो करे उन करंट को तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ में लेना है, यानी कि प्लस I1 प्लस I4 ऐसे ले लेना है। और जो साइन कन्वेंशन का जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि जो जंक्शन से बाहर की साइड जाए, द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, उस करंट को आपको नेगेटिव साइन के साथ में लेना है। जैसे I2 बाहर जा रहा है तो इसको माइनस I2 लिखेंगे, I3 भी बाहर की साइड जा रहा है तो इसको माइनस I3, सिमिलरली I5 जो है वो भी बाहर की साइड जा रहा है तो इसको भी माइनस I5 से हम डिनोट करेंगे। तो ये हो गया। अब आपको क्या बताया गया है कि किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो नेट करंट होगा जंक्शन पे, टोटल करंट जो होगा, साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज करना है, जो टोटल करंट जंक्शन पे होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो क्या होगा, 0 होगा। तो फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेना आपको।
तो फिगर में आप देखेंगे, यहां पे फिगर में देख सकते हैं आई वन अंदर की साइड जा रहा है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव लगाओ चाहे ना लगाओ ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहेगा। आई टू आपने फिगर में आप देख सकते हैं बाहर की साइड जा रहा है, नेगेटिव लिया, नेगेटिव साइन के साथ में लिया। आई थ्री भी बाहर जा रहा है, नेगेटिव साइन के साथ हमने लिया है। यहां पे आई फोर जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया। ऐसे ही आई फाइव जो है आपके पास में दिखाई दे रहा है बाहर की साइड जा रहा है, तो इसको भी नेगेटिव लिया। यही साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। तो अब ये जो ब्रैकेट है इसको खोल के हम लिखेंगे, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो, और यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है, इसी को किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहते हैं और इसी को किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जैसे आपके पास में एक वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, इसको ये फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये माइंड में आपको ध्यान रखना है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेसिकली यही है, आपके पास में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसी वायर को अगर मैं रोटेट करके ऐसे कर दूं तो जो करंट की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, इसलिए जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन के बेसिस पे उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर, तो इसलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ आपके पास में, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, सिंपल। आप कोई भी एग्जाम्पल के साथ में इसको अपना ट्राई कीजिएगा। करंट की जो वैल्यू है किसी में आप जैसे I1 को आपने 5 एम्पियर ले लिया है, I2 अगर मान लो 2 एम्पियर है तो नेगेटिव के साइन के साथ में आपको उसके लेना है, और टोटल करंट ऐसे जो है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ।